स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आज जो फिरदौस फातिमा रमजानी खान के महिला अगाड़ी के इस दफ्तर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उन्हें। मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर मेरी माएँ और बहनें मेरे सामने बैठी हुई है। लोग कहते थे मुझसे कि तुम जीते कैसा, तो मैं उनसे कहता था कि ये मेरी माओं की दुआएं थी मेरे साथ में। आप लोग यकीनन, मैं जब आया हूं यहां पर तो कुछ उम्मीदें तो जरूर लगाते होंगे कि कुछ तो देकर जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं कुछ बोलने से पहले आपको ये बता दूं कि जिस रास्ते से मैं चलकर आया हूं वो रास्ते की हालत बहुत खराब है। इंशाल्लाह अगले 15 दिनों के अंदर आपकी इस पूरी रोड का काम मैं शुरू करवा दूंगा। मुझे तो डर ये लग रहा था कि हमारी बहन फिरदौस फातिमा जब खड़ी हुई बात करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि अब तो 1-1.5-2 महीने बचे हुए हैं, ये क्या क्या मांग लेंगे और मैं क्या दे सकूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए मैं भी दिल खोल कर दे रहा हूं। आपकी पूरी गली का काम इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। आज हमें यकीनन मेरे बारे में जो तारुफ किया जा रहा था, आप बखूबी जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों से मैं घिरा हुआ हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम है ऊपर वाला मेहरबान है, आप लोगों की दुआएं साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये हिसाब लगाऊं कि सबसे ज्यादा मुझे कौन चाहते हैं, तो मुझे ये बच्चे चाहते हैं। और यही इनकी दीवानगी है जिन्होंने 2019 के अंदर अपने माँ बाप को मजबूर किया था कि पतंग को ही उड़ाना है। आपको मेरे बारे में बताते हुए कि 2 दिन पहले औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से एक नई रेलवे गाड़ी शुरू हो रही है, जालना से शुरू हो रही है, जालना के बाद औरंगाबाद आता है, औरंगाबाद के बाद मनमाड़ आता है। लेकिन उनकी सोच और उनकी जहनियत देखिए कि इम्तियाज जलील चूंकि औरंगाबाद का सांसद है, तो उसका नाम उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर नहीं, बल्कि परभनी, जहां पर ट्रेन जा भी नहीं रही है, महज शिवसेना का सांसद है, तो उसका नाम उस पत्रिका के अंदर डाला गया। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ताकत है, तो मैंने भी उन्हें चुनौती दे दी। और 2 लहजों के अंदर मैंने उन्हें साफ कर दिया कि अगर उस पत्रिका के ऊपर अगर मेरा नाम नहीं रहा, तो मैं भी देखूंगा कि यह ट्रेन यहां से कैसे गुजरती है। और मैं मेरे तमाम साथियों को यह बात बता रहा था जो मेरे साथ वहां पर आए थे कि रात में 1 बजे पुलिस के बड़े अधिकारी मेरे घर पर आए, रात में 1 बजे, और उन्होंने मुझसे यह कहा कि साहब अगर आपने कुछ यहां पर किए तो पूरे के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो यह समझ लो कल का इस रेल का ट्रेन का उद्घाटन जो है वो इस मुल्क के वजीर आजम दिल्ली में बैठकर बटन दबाकर करने वाले हैं। मैंने उनसे यह कहा कि एक तरफ आधे स्क्रीन के ऊपर मोदी जी को रहने दीजिए, आधे के अंदर मैं मेरे जलवे दिखाऊंगा। और नतीजा यह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह
कि रात में 2 बजे मैं एक 6 साल की बच्ची, हमारे करीब साथी, उसकी बच्ची का इंतकाल हुआ, मैं उसके मौता के अंदर था, जामा मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा हो रही थी, तो मुझे पुलिस ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने कहा कि साहब वो पत्रिका को अब हमने हटा दिए है, नई पत्रिका बनाए है जिसके अंदर आपका नाम लिखा गया। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने नाम के लिए लड़ रहा था कि नहीं मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं उस सिस्टम और उस जहनियत के खिलाफ लड़ रहा था जिन्हें ये हजम नहीं होता है कि ये मजलिस का सांसद है, मजलिस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हम उसका नाम, वो हमारे साथ कैसा बैठेगा करके। लेकिन अगर आज मैं लड़ रहा हूं तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज से आवाज लगाने के लिए इतनी सारी मेरी माए बहने और नौजवानों की ताकत मेरे साथ है। और यही ताकत है कि जिसने उन्हें रात में 2 बजे मजबूर किया कि उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े और मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि साहब ये आंदोलन मत करिएगा। कहीं ना कहीं हमें अपने हकों के लिए तो लाइट चले गई है। मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठे बैठे जैसे ही बैठा तो इन खूबसूरत वायरों के ऊपर मेरी नजर गई और मैंने इनकी तस्वीर खींच के अभी इसी वक्त मैंने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको ये डाला हूँ। ये रहमानिया कॉलोनी के अंदर लटकते हुए वायर जो है ये क्यों है, जबकि हजारों करोड़ रुपया सिर्फ लाइट के विभाग के पास आया है, वो इसलिए आधा पैसा वो कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन अब तस्वीर मैंने डाला हूं तो कुछ ना कुछ तो असर जरूर होने वाला है। मुझे पिछले बार मैं जब आया था तो हमारी बहन फिरदौस फातिमा ने मुझे बताया था कि यहाँ के स्कूल के अंदर भी कुछ क्लासेस की जरूरत है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमसे बोलते नहीं है। मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक निवेदन दिया हूं और उनसे ये कहा हूं कि औरंगाबाद का सबसे खराब जो स्कूल है जो महानगर पालिका चलाती है, सबसे खराब, कि जहां पर क्लासेस नहीं है, बेंचेस बराबर से नहीं है, टूटी फूटी दीवारें हैं, लेकिन बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर तुम वो चला नहीं सकते हैं तो सबसे खराब स्कूल जो औरंगाबाद शहर का है वो मेरे हवाले करिए, वो स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी मैं लेने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, मजलिस के साथ थी, मजलिस को इस मुकाम के ऊपर अगर किसी ने पहुंचाया है, जिसके बारे में कहते थे लोग कि नहीं कैसे जीत कर आएगा, मैं ये कहता था कि जीत और हार की बात नहीं है, हम मेहनत करने का काम करेंगे, जीत और हार का जो भी फैसला है वो अपने रब पर छोड़ेंगे। आज मुझे मालूम है कि 2024 जैसे ही ये राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे किस तरह का माहौल देश के अंदर इनका फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो जाए। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि हम औरंगाबाद की सीट के ऊपर दोबारा कैसे कब्जा किया जाए, और मैं उन्हें यही बताता हूं कि तुम पूरी ताकत लगा लो, इंशाल्लाह औरंगाबाद से अब मजलिस को कोई नहीं हरा सकता। एक भाजपा का बड़ा नेता मुझे दिल्ली में मिला और दिल्ली में मिलकर उसने मुझसे ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं लोकसभा की, और उन 48 सीटों के अंदर उसने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि हम 47 सीटें हम भाजपा वाले जीत कर लेकर जाएंगे।
48 में से 47 सीटें, तो मैंने उससे कहा एक सीट मान गए हो ना कि वो इम्तियाज जलील की ही रहने वाली है, तो जो पहले से ही हार मान चुके हैं कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला, कोई दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि 2019 के अंदर मैंने देखा मेरी बुजुर्ग माएं अंदर जाकर जब आती थी तो यकीनन वोट के साथ साथ वो एक दुआ भी पढ़कर आती थी, और मैं लोगों को यही कहता था लोग वोटों से जीतते हैं, मैं दुआओं से जीतता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है, ये सफर वैसे ही अधूरा है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो लोकसभा के अंदर आवाज उठाना हो, सड़क के ऊपर उतर कर लड़ना हो, मुझे इस बात का फख्र है कि जब औरंगाबाद शहर का नाम बदली थी कि जिन्होंने 22 दिन तक सड़क के ऊपर बैठकर उसका विरोध किया, हमने सरकार इनकी है, हुकूमत इनकी है, ये समझते हैं कि जो चाहे वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर में पैदा हुआ था और इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का साथ चाहिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आमखास मैदान के ऊपर 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक फेस्टिवल हम मनाते हैं, जहां पर मैं ये नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देता हूं कि खेल कूद के अंदर भी अपना ध्यान दो। कब तक मोबाइल के ऊपर बैठे रहोगे, कब तक यूट्यूब देखते रहोगे, कब तक रील बनाते रहोगे, व्हाट्सएप के ऊपर अपना वक्त कैसे जाया करते रहोगे? अगर ये नौजवान भी अगर खेल कूद के अंदर आए तो हम एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, पहला प्राइज जो है वो 8 लाख रुपए का है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई इतना बड़ा प्राइज नहीं देता है। फुटबॉल के अंदर इतने बड़े बड़े प्राइजेस दे रहे हैं। मकसद यही है कि नौजवान बच्चों को खेल की तरफ भी हम खींच के ला सके। और चूंकि मेरी माएं और बहनें हमेशा मेरे साथ रही है, तो आमखास के दूसरे ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप लोग भी आइए। और मैंने इस बार जो खेल का जो मैदान है, जहां पर क्रिकेट खेला जाएगा, फुटबॉल खेला जाएगा, मैंने खास तौर से इस बार मस्तूरात के लिए भी, हमारी माएं और बहनों के लिए भी एक विशेष स्टैंड, एक स्पेशल स्टैंड बनाया हूं। उसका मकसद यह है कि जिस गली का, जिस गरीब मोहल्ले का बच्चा वहां पर इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, मैं चाहता हूं कि उसकी मां भी आए और देखे कि उसका बेटा कितने फख्र के साथ वहां पर खेल रहा है, उसकी बहनें आए, उसके घर वाले आए, और वो भी उस मैदान के ऊपर देखे कि जब वो छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, जब वो विकेट ले रहा है, तो किसी भी माँ के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बेटी के लिए एक फख्र की बात होती है। तो आप लोग भी आइए, टीवी के ऊपर तो बहुत देखे हैं, आप लोग के लिए एक अलग स्टैंड है, और अगर आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही बैठना चाहूंगा। बस एक बार फिर से मैं तमाम हमारे मजलिस के जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहां पर ये जो ऑफिस खोला जा रहा है वो सिर्फ एक ऑफिस, 4 दीवारी ना रहते हुए हम यहां से कितने अच्छे काम, भलाई के काम, लोगों के काम आ सकते हैं, किस किस तरह से लोगों की जो भी अड़चन हो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा दफ्तर है, जहां पर हम गए तो हमारे मसलों का हल निकल सकता है। मैं फिरदौस फातिमा, रमजानी साहब, उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकुल दावन।